हमारे देश में इस वक्त बुलडोजर बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। बुलडोजर के कारण कुछ राज्यों में सरकार बन जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र से हैरान कर देने वाली चोरी की घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में चोरों ने एटीएम मशीन को उखाड़ने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देश में कई राज्यों में जिस बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधियों पर कार्रवाई के लिए हो रहा है, उसी बुलडोजर का इस्तेमाल कर कुछ चोर एक पूरी एटीएम मशीन को ही गायब कर ले गए। मामला पुणे जिले के सांगली मिरज तालुका का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरों ने पहले एक जेसीबी को पेट्रोल पंप से चुराया और फिर उसी मशीन से एक्सिस बैंक के एटीएम की खुदाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार एटीएम मशीन के अंदर 27 लाख रुपए थे। एटीएम सेंटर के बाहर न सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और न ही कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। कैश भी सुबह सुबह ही डाला गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इसमें किसी ऐसे शख्स का हाथ है जिसे पैसे डालने की जानकारी थी। एटीएम को उठाने के बाद आरोपियों ने उसे बुलडोजर से ही तीन हिस्सों में तोड़ा और फिर उसमें रखा कैश बॉक्स उड़ाकर भाग खड़े हुए। मतलब